कहते हैं बजट जब लोक लुभावन हो तो इकोनॉमी फ्रेंडली नहीं होता है, इसलिए मिडिल क्लास को लुभाने वाले वादे करते समय सरकार सोच समझकर कदम उठाती है, लेकिन जानकार मानते हैं कि कुछ बुनियादी बातें ध्यान रखी जाए तो सरकार मिडिल क्लास को राहत भी दे सकती है और अर्थव्यवस्था पर इसका ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। देखिए बजट उम्मीदों पर ये खास रिपोर्ट। इस बार का बजट कई मायनों में खास रह सकता है। 2024 का साल आम चुनावों का साल है और 24 से पहले इस साल भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में आम आदमी को उम्मीद है कि सरकार लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान करेगी, लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर खड़ी चुनौतियां सरकार के हाथ भी बांधेंगी। ऐसे में माना यही जा रहा है कि फोकस आम आदमी यानी कि मिडिल क्लास पर तो होगा, लेकिन सरकार फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते हुए ऐलान करेगी। ऐसे में जानकार कुछ इनोवेटिव आइडिया सरकार को दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि सरकार मिडिल क्लास के लिए कुछ बुनियादी फैसले ले तो अर्थव्यवस्था पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और आम आदमी को राहत भी मिल जाएगी। ऐसा ही एक सुझाव है, होम बायर्स के लिए टैक्स छूट में बढ़ोतरी का सुझाव। प्रधानमंत्री आवास योजना में अफोर्डेबल की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो 40 लाख 42 लाख तक का जो घर है उसको अफोर्डेबल माना जाता है, बट अगर दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में मुझे लगता है कि इस डेफिनेशन को बढ़ा देना चाहिए, अराउंड 70-75 लाख तक के घर को अफोर्डेबल की कैटेगरी में डालना चाहिए ताकि कस्टमर को प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिट्स मिल सके और ओवरऑल उनको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स कम लगे। मिडिल क्लास के लिए इस बार टैक्स स्लैब में कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार टैक्स स्लैब की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है, लेकिन जानकार एक और सरल और प्रभावी टैक्स छूट का सुझाव दे रहे हैं और वो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर टैक्स छूट का सुझाव। जानकार मानते हैं कि इससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को तो बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कंज्यूमर की ज्यादा बचत होगी और वो और प्रोडक्ट कंज्यूम करने की स्थिति में भी रहेगा। बैंक ये ऑथराइज करें कि इस इंडिविजुअल टैक्स पेयर ने इतने रुपयों का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है और वो टैक्स डिडक्टेबल हो जाए, तो इंडिविजुअल जो उपभोक्ता है, जो नागरिक है, जो आदमी है, उसको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए। जानकारों की ओर से एक और इनोवेटिव सुझाव हेल्थ सेविंग अकाउंट का आया है। इसमें नियमित बचत खाते से बेहतर ब्याज दरों के अलावा स्वास्थ्य से जुड़े खर्च के लिए कभी भी पैसे निकालने का सिस्टम है। गवर्नमेंट को हेल्थ सेविंग अकाउंट का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए जिससे कि भारत के युवाओं अपने हेल्थ का ख्याल रखने के लिए काफी कम उम्र से ही सेविंग करना चालू कर दे। उनसे उस हेल्थ सेविंग अकाउंट को वो NDHM रजिस्टर्ड हॉस्पिटल पे भी यूज कर सकते हैं जिससे कि हॉस्पिटल्स और छोटे क्लिनिक्स को NDHM में रजिस्टर करने का प्रोत्साहन मिलेगा। वैसे भारत में कुछ बैंक्स और स्टार्टअप्स पहले ही हेल्थ सेविंग अकाउंट की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन सरकार से इसे और व्यापक स्तर पर लागू करने की मांग की जा रही है। कुल मिलाकर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होने के नाते आम लोगों और इंडस्ट्री की नजर एक लोक लुभावन बजट पर है, लेकिन आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार किस तरह का बजट लेकर आती है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।